गाइस ऑल राइट, तो बाकी टूल्स लाते हैं, बैम्बू भी लाते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी टूल्स ला लिए, बैम्बू भी ला लिया। तो फ्रेंड्स ये मेरे पापा नहीं करेंगे, ये मैं खुद करूँगा। ये मैंने बहुत देर तक सोचा, फिर मेरे दिमाग में आया इसके लिए जो है ये वाला ठीक नहीं है, ये इसका ये सारे छिलका उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से ठीक करने के लिए हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो कि लोहा भी काट सकता है। थोड़ा उसे छिलका को गिराने की, ओ अभी भी छिलका गिर रहा है, ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मिशन टॉप रेडी और सक्सेसफुल करने के लिए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना पड़ेगा, और आज कपड़ा वस्त्रा नहीं बिछाया है, कल कपड़े में थोड़ा कष्ट हुआ था इसलिए। इसे रखेंगे, आपको बताता हूँ क्या करना है, ऐसे ऐसे करके उनके छिलके जो है वो निकाल लें, इधर ठीक है, उधर ठीक है, जैसे भी ठीक है, सही है। तो मुझे वैसा क्यों लग रहा, ओ इसे उधर से करना पड़ेगा, ओ कितना सारा छिलका निकल रहा है। फ्रेंड्स मैं ऐसे कर लेता हूँ पहले, तो फ्रेंड्स हमारा बात इधर से अचानक बुढ़ा होने लग गया है, कल तो नहीं था, आज होने वाला है, चल बुढ़ा हो रहा धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स बाकी का करते हैं, यार मौसम लग रहा है अब, तो इसे थोड़ा सा बर्निश करना बाकी रह गया। तो फ्रेंड्स आज बंगालियन में जो है मकर संक्रांति है, अब मुझे तो नहीं पता हिंदी का कब है, लेकिन बंगाली में आज मकर संक्रांति है, जैसे कि बांग्ला में कहते हैं पोष संक्रांति और हिंदी में कहते हैं मकर संक्रांति। इसका मतलब है कि हमारा जब पोष मास स्टार्ट होता है, मतलब कि जो हमारा जब पोषमा स्टार्ट होता है तब उसे कहते हैं पोष संक्रांति, और आपको यहाँ पता नहीं कौन सा माह स्टार्ट होता है इसलिए इसे कहते हैं मकर संक्रांति। बहुत सारे छिलके निकल रहे हैं, तो हम वाटर बोतल भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ वाटर बोतल भी बना सकते हैं, यस। तो फ्रेंड्स आज आप हम इसे ऐसे ऐसे करके बर्निश करेंगे, चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि ये जो है ये जगह बार्निश्ड है, पता नहीं किसने बार्निश कर रखा है ये जगह, हमें ये जगह करने की ज़रूरत है। इधर से छिलका निकला है बहुत सारे, हाँ ये जगह खुद बुरा है, ये जगह बार्निश्ड है, ये जगह
और फ्रेंड्स एक बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें पानी मत लगाइएगा, लगाना है तो इसमें सिर्फ तेल लगाएगा ताकि ये डंडा बन जाए, इसमें पानी कभी भी मत लगाएगा वरना हमारा जो बांस है बिल्कुल खत्म, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अचानक एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि ये जो है ये थोड़ा सा कर्व्ड है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अब हम इसे ऐसे तो नहीं रख सकते, गिर जाएगा, तो अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, वाल के साथ लगा कर रखना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ कैसे, ऐसे जो है हमें इसे वाल के साथ लगा कर रखना पड़ेगा। अब पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, तो चलिए हमारा बाज जो है वो बिल्कुल अभी रेडी होने वाला है, हमारा प्यारा बाज। तो कर लेते रेडी। तो फ्रेंड्स बाज हमारा रेडी हो चुका है और इधर से थोड़ा छिलका निकला है इसलिए ये जगह थोड़ा सा डिफेक्टिव है, बाकी कोई बात नहीं, हमारा बाज तो रेडी हो चुका है, ये मैं बहुत खुश हूँ। बाज हो चुका पूरा रेडी है, अब सिर्फ ये जगह और ये जगह बाकी रह गया, हमारा बास है रेडी। यस, अरे इस जगह पे थोड़ा सा डिफेक्टिव है, इसे हमें इस जगह से थोड़ा काटना पड़ेगा, इससे होगा क्या। मुझे लगा काटेंगे नहीं लेकिन इसे थोड़ा सा बार्निश कर लेंगे अच्छे से, ये जगह थोड़ा सा खुद दिया है। थोड़ा सा बार्निश करना पड़ेगा, बार्निश अच्छे से। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत सारे और भी वीडियो बाकी है, जैसे कि वाटर एलम बनाना और भी। तो फ्रेंड्स हमारा जो बांस है वो तो बार्निश होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब सिर्फ ये जगह थोड़ा सा बाकी रह गया है। फ्रेंड्स ऐसा काम जो कि बिल्कुल इजी लग रहा है देखने में, ये भी करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, यार कितना मुश्किल करना पड़ रहा है। अभी मेरे इधर शायद आधा घंटा हो चुका है और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपके इधर मात्र 8 मिनट, वाह क्या बात है, और मेरे यहाँ पूरा आधा घंटा हो चुका है। बस हमारा ये सरफेस भी ठीक हो गया, जैसे थोड़ा आप देख सकते हैं हमारा बास। अब मैं इसे बहुत बिल्कुल शो पीस की तरह रखूंगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, सही है, हमारा बास बन चुका है, अब इसे कौन साफ करेगा। अच्छा ठीक है, ये तो वैसे भी फोल्डेबल है, इसे जब हम नीचे ऐसे करेंगे तो ये खुद ही सारे नीचे चले जाएंगे। देख सकते हैं मैंने इसे पहले टूल सेट में रख दिया, और ये मेरा पापा का है, और ये जो बांस है ये मैं अभी इधर रख देता हूँ, और सैंड पेपर भी मेरे टूल सेट में जाएगा, चला गया। अब हमें क्या करना है, ये जो है आप देख सकते हैं इधर से कुछ क्लिप्स है,
ये इधर एक है और ये इधर एक है, इन्हें हमें पहले खोलने पड़ेंगे। मोबाइल के ऊपर भी गिर गया, साफ कर लेना पड़ेगा। पूरा तो साफ नहीं कर पाया, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा झाड़ू है, इससे मैं आपका झाड़ू पिटाई नहीं करूँगा, इससे बस इधर का थोड़ा सा साफ करने वाला हूँ। ये बांस का छिलका है, कितने सारे छिलके गिर गए यार, क्या बताओ। एक बांस को रेडी करना भी बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, ये कितने सारे बोले छिलका ही हो गया, ये छिलका बाजार। तो फ्रेंड्स बाय, और ये हमारा छिलका बाजार देख सकते हैं, अगर छिलके खरीदने हो तो इधर आ जाए। ये बांस के छिलके बिल्कुल बोराक बांस के, बिग बैम्बू, अच्छे छिलके हैं, आ जाए ये खरीदने। बाय फ्रेंड, ये छिलका बाजार, बाय।